बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो छोटी सी ट्रिक है। ऐसा समझ लें कि दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस तलाश करना। अब ये एक सिंपल सी ट्रिक है, जो डिज़ाइनर्स हैं वो इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। काफ़ी लोगों को आता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए है, ठीक है। जिनको पता है तो वो दूसरों को सिखाएं। तो काफ़ी अरसे से ये मेरे जहन में थी कि मैं बनाऊं ये चीज़, तो वो निकल गई दिमाग से। तो आज मेरे जहन में दोबारा से आई ये चीज़ सामने, तो मैं ना इसको एक वीडियो बनाता हूँ और उसमें हम देखेंगे कि हम जो है दो पिक्चर्स के अंदर, जैसे ये दो पिक्चर्स हैं, इनमें डिफरेंस कैसे तलाश करना है, कि इनमें फ़र्क कहाँ कहाँ पर है, और वो आसानी से आप तमाम जो फ़र्क हैं वो वाजे हो जाएंगे आपके सामने। तो इसके लिए फ़ोटोशॉप चाहिए हमें। फ़ोटोशॉप का कोई सा भी वर्जन हो आपके पास, कोई सा भी, आप फोटोशॉप में जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है, इस फाइल को मैं फोटोशॉप में यहाँ लाके ड्रैग किया, छोड़ दिया, ठीक है। ड्रैग करने से वो फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब देखें, ये दो तस्वीरें हैं मेरे सामने और मुझे इनमें डिफरेंस तलाश करना है। तो अब वो कैसे करेंगे? तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक तरीका बताऊंगा, सिंपल सा, शॉर्ट सा, आसान सा तरीका है कि आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल लेना है, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है। सिलेक्शन करनी है आपने इसके एक हिस्से की। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लें और कंट्रोल वी, उसकी मैंने कॉपी कर ली है, ठीक है। अब इसको मैंने उठाया यहाँ से और बिल्कुल यहाँ लाकर छोड़ दिया, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर। और बाकी क्रॉप टूल लिया यहाँ से, क्रॉप टूल, और इतना हिस्सा मैंने इसका क्रॉप कर दिया, ठीक हो गया जी। तो अब देखें, यहाँ पे दो तस्वीरें हैं। अब एक सिंपल सा तरीका तो ये था कि आप इन लेयर्स को ऑन ऑफ करें। ऑन ऑफ करने से आपको फौरन पता लग जाएगा कि दो तस्वीरों में फ़र्क कहाँ कहाँ है, क्योंकि स्क्रीन पे जब वो तस्वीरें एकदम से ऊपर नीचे गायब होंगी तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ये ठीक है। दूसरा आसान तरीका, ओपेसिटी। अगर आपको लेयर्स का समझ नहीं आता कि कहाँ से ऑन ऑफ करनी है, डिसेबल करनी है, इनेबल करनी है, तो ये ओपेसिटी का ऑप्शन है। इसको आप ओपेसिटी ख़त्म करेंगे तो नीचे वाले का ओपेसिटी पूरी करेंगे तो ऊपर वाली लेयर का। इन दोनों तरीकों से आप जो है आसान सी सिंपल सा ट्रिक है, कुछ कोई और टूल नहीं यूज़ करना, एक बच्चा भी कर सकता है कि दो तस्वीरों में मैंने फ़र्क तलाश करना है। तो तस्वीरें कहाँ से मिलेंगी आपको? तस्वीरें तलाश करने के लिए गूगल पर जाएं और यहाँ के लिखें फाइंड डिफरेंस इन पिक्चर्स, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ें, एक तस्वीर निकाल लें यहाँ से, ठीक है, उसे वापस आप फोटोशॉप में ले जाके ओपन करें और ऊपर नीचे वाला हिस्सा जो है दोनों पिक्चर्स को ऊपर नीचे रख लें, कोई भी हो, ऊपर हो कोई भी नीचे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उन दोनों तस्वीरों को फिर आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि इसको जब मैं यहाँ से बंद क्लिक करता हूँ, जब आई वो गायब हो गई है तो वो लेयर ख़त्म हो गई। अब सिर्फ, अब ये भी ख़त्म हो गई, अब ये लेयर आई मेरे सामने, ठीक है। दो तस्वीरें हैं ना यहाँ पे हमारे पास, तो ये दूसरी तस्वीर जो उसके ऊपर है वो आ गई। अब जब एकदम से ऊपर आती है तो वो दिखा रहा है कि जो गन पकड़े खड़ा है बंदा, कभी उसकी स्माइल चेंज हो रही है, डोर का जो हैंडल है वो भी चेंज हो रहा है, लड़की जो बैठी है बंधी हुई उसके पाँव में जूता चेंज हो रहा है, ठीक है। आदमी के गन, हाथ में जो गन है, दूसरा जो चोर है उसकी गन के आगे झंडा आ रहा है, उसके बैग पे साइन तब्दील हो रहा है, तिजोरी के ऊपर साइन चेंज हो रहे हैं, और जो ड्रा है वो चेंज हो रही है। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस जो हैं, चोर के बाल चेंज हो रहे हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बाकी जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल स्टार्ट किया है यहाँ पे, कार्टून में ज़्यादा देखता हूँ, बच्चों वाले काम करते हैं हम। तो यहाँ पे जी हमारे पास ये है, JM इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें मैं अब कोशिश करूँगा कि रोज़ाना कम अज़ कम एक वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड करूँ, फेसबुक पे करूँ ना करूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि जी ये वीडियो तो बनानी है, कि यहाँ से आपको वो अगर चैनल चल गया तो पैसे शैसे भी मिलेंगे। मैं कहा चलो जी सही है, तो ये अब शुरू किया है। बाकी जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब ये लर्निंग से मुतालिक मैंने स्टार्ट किया, कोई इस पे मजाक फन या वीडियो उसके अलावा
एंटरटेनमेंट नहीं होगा, सिर्फ आईटी एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो मैं यहाँ बना के रोज़ाना कोशिश करूँगा कि एक वीडियो यहाँ पे डालूँ। तो आप सब लोग जो हैं यहाँ से इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको, इससे होगा क्या कि आपको जितनी मेरी न्यू वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। अब न्यू वीडियोस जैसे फेसबुक पे अपना पेज लाइक करते हैं तो वो न्यू वीडियो आपको पहुंच जाती है, न्यू पोस्ट आपको पहुंच जाती है, इसी तरह यहाँ से सब्सक्राइब करने पे आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी कि ये नई वीडियो आ गई है। तो बाकी जो है आप सीखते रहें, सिखाते रहें लोगों को, दूसरों को सिखाएं, जो कुछ आपको आता है कोशिश करें कि दूसरों को सिखाते रहें, तो इस तरह इंशाल्लाह बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं की दरख्वास्त है। खुदा हाफिज़।